वायरस के जो 29 मरीज है ज्यादातर इटली से आए कोरोना वायरस के मरीज। तो मेरा सभापति महोदय इसके अंदर एक ही कहना था, अधीर रंजन ने भी बोला था कि सबसे पहले राहुल जी ने पूछा तो कहीं ये सारा इनके घर से सोनिया गांधी जी इनकी भी जांच कराओ पूरे परिवार। नो नो नो, ये कार्रवाई भी नहीं। सोनिया गांधी कार्रवाई निकाल दिया इसको। राहुल नो 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 नो, प्रियंका गांधी नो नो हनुमान जी भी आप जांच कराए। कहीं ये तो कोरोना से पीड़ित नहीं। पांच जना उठे एक पार्टी का, छह जना पांच बैठ गए। तो ये तो मथिरा का बारह है, गठबंधन तो मथिरा को बारह है। मूड हुआ तो उठे नहीं, कोने के पैसा आप जाऊं मैं तो कहीं कर रहे। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस का गेम बना रहे या फिर बिगाड़ रहे हैं, ये सवाल आज से पहले तो लगातार पूछा ही जा रहा था, लेकिन कल के बाद ये सवाल और भी ज्यादा तेजी से पूछा जा रहा है। जब हनुमान बेनीवाल ने सभा के दौरान साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन करना तो मतीरे के समान है, कौन से कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसको मनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने तो मना किया था मुझे नागौर से मत खड़ा करो, लेकिन फिर भी मुझे खड़ा किया गया। मैंने कहा था कि 5 साल मुझे नागौर को स्टेट में रहने दो और स्टेट में नागौर के लिए लड़ने दो, लेकिन फिर भी मुझे लोकसभा भेजने के लिए कहा गया। अब मैं अकेला लोकसभा में कितना लड़ूंगा। ये कहना क्या इस तरफ इशारा नहीं है हनुमान बेनीवाल का कि उनके अलावा कोई जीतने नहीं वाला, या फिर ये कहना हनुमान बेनीवाल का इस तरफ इशारा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है, ये सब कहकर वो कांग्रेस का फायदा करवा रहे हैं या फिर बीजेपी का? ऐसे कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और क्या क्या चीजें इसमें से निकल कर आ रही है, सियासत कैसे बदल रही है, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और राजस्थान संवाद को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि परत के पीछे की परत और पर्दे के पीछे का पर्दा हम यहाँ अपने दिलचस्प विश्लेषण में आपको दिखाते हैं राजनीति का, और आप भी इसे गौर से समझिएगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग हनुमान बेनीवाल की। वो हनुमान बेनीवाल जो अब से पहले खुलकर कहते थे कि राहुल गांधी तो पप्पू है, राहुल गांधी अगर नागौर में आ गया तो बीजेपी वैसे ही जीत जाएगी, राहुल गांधी अगर कहीं पर भी जाएगा राजस्थान में तो बीजेपी ऐसे ही जीत जाएगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं रहता। ये बोलने के बाद भी उन्होंने कई और आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। भरी लोकसभा में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कोरोना वायरस तो इटली से आया था, तो क्या सोनिया गांधी तो लेकर नहीं आई कोरोना वायरस? ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद हनुमान बेनीवाल कितना कुछ कर पाएंगे कांग्रेस के लिए, ये पहले से ही सवालों के घेरे में था। लेकिन अब जो हनुमान बेनीवाल ने बोल दिया कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, वो तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बीजेपी को ही फायदा करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने एक रैली के दौरान इस गठबंधन की कैसे पोल खोली, क्या कुछ बोला और कैसे वो कांग्रेस का घाटा और बीजेपी का फायदा करवाते हुए दिखाई दे। हाथ जोड़िया मैं कि मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन, मैं कड़े दिल्ली जाऊँ ठाको एक लो आज भी लड़को दिल्ली के माए है ही नहीं। वहां तो पांच जना उठे एक पार्टी का, छह जना पांच बैठ गए। तो ये तो मथिरा का भारा है, गठबंधन तो मथिरा को भारो है। मूड हुआ तो उठे नहीं, खोने का पैसा पकड़ जाऊं मैं तो कहीं कर। अरे आप बताओ मैंने कि लोग अबार कांग्रेस के माए 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष से रोज कह रही हूँ, प्रदेश ऊपर भी रंधावा है कि रंधावा जी को बाहर निकालो, 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मथिरा का भरा है कहीं बताओ। मन पार्टियों में ही पार्टियों के दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है,
तीन धड़ा एक पार्टी में, छह धड़ा दूसरी पार्टी में। तीतकर जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप, मुझे कोई लिख के नहीं देना, काटो नहीं काटे, कांग्रेस जाने थे जानो, मैंने तो मारी पार्टी में तो मैं कड़ा ही काट दो धक्का दे रही है। आप नाड़िया वादा तो आदर ही नाड़िया डरता भाग्या ने कही बेचारा डरता भागा कही तो मांगा मान सम्मान बात भगली बात कमरा की बात कहवा ठीक हो लगा मान सम्मान मैं तो करी मारू ये जो को मान सम्मान कहीं कमी रखी बताओ हड़का मत पड़िया प्रधान बना दिया कोई भी गाड़िया चला चलो आप चून चोटा कर बनगा तो ट्रेनिंग भाई अब हम मुकाबला कर कहां से कर लोगे मुकाबला मेरा मुकाबला करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे मैं तो सात दिन भूखो रह जाऊं रह सके कोई 17 दिन भूख हड़ताल करी कितना दिन 17 दिन सेंट्रल जेल गमाए पूरी बैरून सिंह की सरकार आएगी 4 मंत्री आए हड़ताल तोड़ने बाद वो तो कर मैंने 25 साल पहले 25 साल कितना आंदोलन कर लिया राजस्थान में डर तो लगे ही मैंने और यू लगे ना मैं न्याय की बात है अकेला ही लड़ता हूँ यहाँ तो आप साथ हो लोकसभा में रहा था लोग विधानसभा में रहता है कहते हैं तो विधानसभा लोकसभा में रोज नितिन जी देखते थे रोज लड़ता था। अब इस वक्तव्य को सुनकर आपको अगर आश्चर्य हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा कैसे कह दिया, इंडिया गठबंधन में आने के बाद वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ तो वो लगातार बोलते रहे हैं। ये दो वाक्य और सुनिए जहां उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू और सोनिया गांधी को कोरोना वायरस लेके आने वाली महिला के रूप में करार दिया है। कोरोना वायरस के जो 29 मरीज है ज्यादातर इटली से आए कोरोना वायरस के मरीज, तो मेरा सभापति महोदय इसके अंदर एक ही कहना था, अधीर रंजन जी भी बोला था कि सबसे पहले राहुल जी ने पूछा तो कहीं ये सारा इनके घर से सोनिया गांधी जी इनकी भी जांच कराओ पूरे परिवार नो 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 ये कार्रवाई भी नहीं सोनिया गांधी कार्रवाई निकाल दिया इसको राहुल नो 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 प्रियंका गांधी नो नो हनुमान जी भी आप जांच कराए कहीं ये तो कोरोना से पीड़ित नहीं है। विपक्ष तो पप्पू है राहुल गांधी अब आप देखो उसी बॉडी लैंग्वेज देखो ये हमारे तेजाजी महाराज के लाए तो फेरी उल्टी देने लग गया चलना यूं था यूं चलते यार पकड़ के लाए इधर तक अब इसको जितना घुमाओगे ना तो बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना अभी ये खुद ही जहाँ जाता है ना वहाँ कोई न कोई अपनी बात छोड़ के आ जाता पप्पू नहीं नहीं आप और बताओ यार आप भी क्या मन में रखोगे। हालांकि ये वाक्य अभी से पहले के हैं लेकिन हनुमान बेनीवाल की पूरी मनोदशा और हनुमान बेनीवाल की मेंटालिटी कांग्रेस के प्रति उनके विचार साफ तौर पर जाहिर करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो धड़ा ठीक साबित हो रहा है जो हेमाराम चौधरी हरीश चौधरी दिव्या मदेरणा कर रहा था जिन्होंने साफ साफ कहा था कि हनुमान बेनीवाल को पार्टी में नहीं लेना चाहिए गठबंधन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमेशा कांग्रेस में होता है जिसकी वजह से लोग लगातार कांग्रेस से पलायन करके बीजेपी में जा रहे हैं कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की मनमानी चल रही है उसी मनमानी के चलते हनुमान बेनीवाल आए और देखिए कांग्रेस का क्या हश्र कर गए। क्या लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ हैं या ऐसे बयानों से कांग्रेस के खिलाफ, कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या कांग्रेस का इससे फायदा हो रहा है या घाटा ये भी लिखते जाएं। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।